Hey guys, welcome back to Discovery Nearby. I am Sanket Kashyap और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो iPhone से हटके। तो बेसिकली मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं फ्रीक्वेंट अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए वीडियोस की, और मैंने सोचा क्यों ना आप कुछ अलग सा प्रोडक्ट लेके आऊँ। तो मेरा एक इंस्टेंट कैमरा खरीदने का बहुत दिनों से मन था, मतलब बचपन से मैं इंस्टेंट कैमरा देखता, तो मैं सोचता था कि मेरे पास भी एक इंस्टेंट कैमरा होना चाहिए। तो मेरा इस बार बहुत मन था और घर पे कुछ फंक्शंस भी चल रहे थे, तो वो आपको मैं दूसरे चैनल पे बताऊंगा संकेत एंड रेनू पे, वहां पे मैं दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करूंगा। तो इंस्टेंट कैमरा जैसे आपको पता ही होगा कि साथ के साथ जो फोटोज निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स तो वो चीज बनाते नहीं, तो मेरा मन था इस बार, तो मैं काफी सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा ये वाला कोडेक की तरफ से जो है मिनी शॉट 2। इनके काफी मॉडल आता है, शॉट 3 भी आता है, तो आज मैं स्पेसिफिकली शॉट 2 के बारे में बात करूंगा, मैं इसका रिव्यू करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंट कैमरा बहुत बढ़िया मुझे इसलिए लगते थे कि इसमें आप फिजिकली फोटोज ले सकते हो, क्योंकि अब डिजिटल का जमाना आ चुका है, फोन के अंदर 100 फोटो रखना है वो मजा नहीं, लेकिन जो मेमोरी आप एक कागज पे कैप्चर कर लेते हो वो काफी प्रेशियस सी लगती है, पता नहीं मुझे तो लगती है। तो इसके लिए मैं इंस्टेंट कैमरा जरूर चाहता था। तो पहले बता दूं कि ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोडेक ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं कि मैं इसका झूठा प्रमोशन करूं, ऐसा नहीं, मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए था तो मैंने ये परचेज किया। तो इस वीडियो के बेसिकली चार मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग, सेकंड मैं दिखाऊंगा आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, थर्ड मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों चूज किया, मतलब क्या इसके अंदर मुझे एडवांटेजेस लगे, और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन दूंगा। तो टाइम स्टैम्प्स पे भी आप जाके डायरेक्टली जा सकते हैं जिस पोर्शन को आपको देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से, लेकिन अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा कंक्लूजन डालना चाहते हैं मैंने क्यों चूज किया, तो देखिए सबसे पहली बात है 2-in-1 था। 2-in-1 का मतलब कि इससे आप फोटो खरीद के प्रिंट कर सकते हो और साथ ही साथ अपने मोबाइल की फोटोज भी इस पे प्रिंट कर सकते हो, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। मतलब अगर आप दूसरे कंपनी को देखोगे लाइक फूजी फिल्म वगैरह के, वो काफी कॉस्टली पड़ती है पर फोटो, ये उसके हाफ प्राइस में पड़ता है, ये बहुत हैंडी था। तो ये चीज मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, मतलब ओवरऑल बढ़िया कैमरा है। तो अगर आपका अभी से ही खरीदने का मन कर गया है इसको देख के, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लेना, मतलब वीडियो के दौरान कभी भी आपका मन करे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीदना, ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। तो एक काम करिए, आप इसकी एक अनबॉक्सिंग देख के आइए। तो ये है हमारा पैकेज, और ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, तो ऑब्वियसली बात है ये मैंने अपने पैसों का ही खरीदा था, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और इसके ऊपर देख सकते हैं आप इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें अगर आप कोई भी थोड़ी बहुत महंगी चीज ऑर्डर करते हैं। तो चलिए अभी करते हैं फिलहाल इसे ओपन। तो ये है हमारा अंदर कोडेक का बॉक्स, आप देख सकते हैं कोडेक की टेप लगी हुई है और कोडेक फोटो प्रिंटर लिखा हुआ है, थैंक यू वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो काफी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दी हुई है, क्योंकि ये फोटो प्रिंट भी कर सकता है, 2-in-1 कैमरा है, तो उसके ऊपर शायद फोटो प्रिंटर इसलिए लिखा हुआ है। तो चलिए फिलहाल इसे करते हैं ओपन। तो देखिए इसके अंदर आपको मिलेगा, सबसे पहले साइड में रखा है कैमरा, इसे अभी साइड में रख देते हैं, और ये देख सकते हैं आप कैमरा का बॉक्स कोडेक मिनी शॉट 2, अभी थोड़ा साइड में और रखते हैं। और ये हैं इसकी कार्टेजेस, अब इनके अंदर 30-30 शीट्स ईच है, और डब्बे में कुछ भी नहीं है। अब इनके अंदर 30-30 फोटोज आपको देखने मिलेगी, मतलब इसके अंदर 10-10 की 3 कार्टेजेस हैं। तो मैंने जरा गिफ्ट पैक मंगाया था, आप बिना इसके भी खरीद सकते हो, बाकी इनके काफी अलग अलग कलेक्शन आते हैं तो आप वो देख सकते हो, इन आप अलग से भी खरीद सकते हो। तो इसे बाद में खोलेंगे, सबसे पहले हम करते हैं अपना कैमरा का ओपन। तो ये है हमारा कैमरे का डब्बा, तो ये येलो और जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे शुरू से ये बहुत बढ़िया लगता है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, साइड में भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए मेरे से रुका नहीं जा रहा, इसे करते हैं ओपन। तो ये है प्लास्टिक में रैप हुआ वो हमारा कैमरा, इसके नीचे आपको मिल जाएंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और ये है एक लैनयार्ड अपने कैमरे के अंदर डालने के लिए, और साथ ही साथ आपको एक केबल मिल जाएगी, अगर ये USB-C होती थोड़ा मज़ा आ जाता, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा कैमरा, अब ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब येलो बैक का, और ऊपर आप देख सकते हैं पावर बटन है, शटर बटन है, और ये मुझे मतलब हाथ में भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा बिल्कुल चीप सा है, मतलब प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है, ये है इसकी LCD स्क्रीन। तो चलिए इसे बाद में ऑन करके हम देखेंगे, लेकिन हाँ ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब ये येलो कलर ही चाहता था मैं, येलो मतलब ब्लैक कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। और ये है इसके कार्टेजेस, अब आप देखें नीचे से खोल के इसके अंदर ये कार्टेज जलती है जिसकी वजह से फोटोज निकलती है, अब इसके अंदर भी वही कार्टेजेस है। चलो अब ये ऊपर की हल्की सी जो पन्नी लगी है ये उपार लेते हैं, और यार ये लिटरली मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसके अंदर ये लैनयार्ड डाल देते हैं जो इसके साथ मिली हुई है। और ये है इसके साथ जो मिली है कार्टेजेस, ये जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि 3 कार्टेजेस हैं इसके अंदर, और एक कार्टेज से आप 10 फोटोज निकाल सकते हो।
तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये यूज करना होता है। तो चलिए इसके लिए हम बाहर चलते हैं। और अब हमारा हो चुका है कैमरा चार्ज, तो इसे करते हैं ऑन। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो लिखा आएगा कोडेक इंस्टेंट 2-in-1, जैसा आपको बताया मैंने कि ये इंस्टेंट कैमरा भी और फोटो प्रिंटर भी है। तो सबसे पहला बटन है मेन्यू का, तो इस आप दबाओगे पहला आएगा बॉर्डर या बॉर्डरलेस, आप कौन सी फोटो खींचना चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर है ब्लैक एंड व्हाइट या नॉर्मल, इसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ है फिल्टर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाकी मैं नॉर्मल पे रखूंगा। इसके बाद है फ्लैश लाइट, डिफॉल्ट ये ऑफ ही आएगी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑन अगर रात में फोटो खींच रहे हैं। फिर है सेल्फ टाइमर, उसके बाद है सेल्फी मोड, क्योंकि इसके सामने एक सेल्फी मिरर दे रखा है, अगर आप खुद को देख के फोटो खींचना चाहे तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप एक सेल्फी लवर हैं। और उसके बाद लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग्स है, तो बस यही सेटिंग्स है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम लेता है और कैसे प्रिंट करते हैं। जैसे ही हम शटर साइड से फोटो खींचेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल का या प्रिंट का, कितनी कॉपीज निकालनी है। तो मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और हमारी प्रोसेस हो गई है स्टार्ट। अब ये एकदम से इंस्टेंटली तो नहीं निकाल के देगा, ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, लेकिन एक ध्यान रखिए कि आप इसे छेड़े मत जाए इतना प्रोसेस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी फोटो ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन अभी भी इस पे लेमिनेशन रहती है, तो ये लेमिनेट कर रहा है उसे। और ये आ गई हमारी फाइनल फोटो। तो आप इसे बॉर्डर या बॉर्डरलेस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी कैमरे की ओके है, आप अच्छी खासी फोटो इससे ले सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ फोटो प्रिंटर यूज करना है अपने फोन के साथ, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज कोडेक फोटो प्रिंटर। अब ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ये कोई ज्यादा बड़ी ऐप नहीं है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है ब्लूटूथ कनेक्शंस में, और ब्लूटूथ कनेक्शन में आपको कोडेक इंस्टेंट कैमरा शो हो रहा होगा, उससे आप टैप करके कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो आपको आपका कैमरा शो हो जाएगा, उसकी बैटरी परसेंटेज वगैरह। के बाद आपने चूज करनी है वो फोटो, जिस फोटो को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने ये फोटो सिलेक्ट करी है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, मोनोक्रोम ऐड कर सकते हैं मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं, या और भी तरीके से एडिट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो ये बहुत ही बढ़िया एडिटर है, आप अपने एडिट करते हैं। तो मैं इसमें बॉर्डर ऐड करके ही इस बार प्रिंट करूंगा। तो बॉर्डर ऐड करने के बाद नीचे आप कॉपीज देख सकते हैं कितनी निकालना चाहते हैं, जैसे मैं एक ही निकालना चाहता हूं, और मैं प्रिंट की कमांड दे देता हूं, और प्रिंट के कमांड देने के बाद ये प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और फिर तो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फोटो निकल लेगा। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर के साथ फोटो है, और ये काफी अच्छी क्वालिटी की फोटो है, कहीं से भी चीप नहीं है, और कलर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो एज अ फोटो प्रिंटर तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही मजेदार चीज है, मतलब अगर आप अपनी फोटोज को प्रिंट करना चाहें तो ये काफी अच्छा है प्रोडक्ट। और अब बात करता हूं मैं इसके एडवांटेजेस की, कि मैंने ये क्यों चूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर देखा जाए लाइक और जो ब्रांड्स की तरफ से आता है लाइक इंटेक्स वगैरह जो आते हैं, जो उनकी कॉस्ट आपको लगभग पड़ती है 72 रुपीज, मतलब 70+ रुपीज में पड़ती है, लेकिन इसकी पर फोटो जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो उसकी हाफ पड़ती है, लगभग 30-34 के करीब। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज मुझे लगी, मतलब ये चीज मेरे दिल को भा गई। मुझे लगा कि यार कई बार हम कैमरे परचेज कर लेते हैं लेकिन उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बाद में लगता है ना यार ज्यादा पैसे खर्चे जा रहे हैं, इससे बढ़िया तो फोन में खींच। तो ये चीज में सबसे पहली चीज देखो ये थी, क्योंकि भाई पैसा तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो इसके अंदर अच्छी लगी मुझे, जो मेजरली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, दैट इज ये 2-in-1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्टेंट कैमरा भी है, साथ ही साथ आप इससे फोन की फोटोज भी प्रिंट कर सकते हो, तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, मतलब दोनों काम हो गए। अगर आप इसे भी लेके निकल जाओगे तो भी अच्छी फोटोज ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपका फोन है तो वो भी ले सकते हो, और ये कैरी करना बहुत आसान, जिसमें बताया था कि छोटा है आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। थर्ड चीज जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी थी वो है कि 4 पास टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो इसकी फोटो क्वालिटी बहुत सुपीरियर आती है, वो इसे काफी हद तक मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी बना देती है।
अब मॉइस्चर रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इसे पानी में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वाटर से काफी अच्छी आपको प्रोटेक्शन दे देता है। नेक्स्ट चीज के अंदर अच्छा है, इसके अंदर आपको LCD स्क्रीन दी गई है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि LCD स्क्रीन से आप देख सकते हो कि आप फोटो खींच रहे हो, तो ये भी मेरे को लगता है कि हर इंस्टेंट कैमरे में आपको एक डिजिटल स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिलती, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि इसके अंदर आपको एक डिजिटल स्क्रीन देखनी पड़ती है और जो इसका पर्पस है वो उसे सॉल्व कर देती है। और नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर अच्छी थी, दैट इज इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये बेशक से प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन फिर भी सॉलिड लगता है, तो ये चीज भी मुझे इसकी बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। मतलब जो दिखने में है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाथ में लेके आदमी कूल लगता है। और इसमें अगर आप एक बार फोटो खींच लो और गलत फोटो खींचे तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। ऐसा नहीं है आपने अगर फोटो खींच ली तो डायरेक्ट प्रिंट निकालना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप कमांड नहीं दोगे प्रिंट करने की तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा। और इसके साथ जो इसका मोबाइल का ऐप है वो भी बहुत बढ़िया है, आप उसके अंदर भी फोटो को एडिट कर सकते हो, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। तो काफी सारे फायदे मैंने आपको बता दिए और इतने फायदे सफिशियंट है इसको खरीदने के लिए। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आपको खरीदना मन है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लेना। इनका एक और मॉडल आता है जैट इज रेट्रो 3। अब रेट्रो 3 और 2 में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ फोटो के साइज का फर्क है। मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैंडी चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत छोटा है, आराम से कैरी कर सकते हो, वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन अगर आपको थोड़ी बड़ी फोटोज पसंद है तो आप उसके लिए खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी और भी काफी कैमरों से रिलेटेड वीडियो चैनल पे मौजूद है। आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी मुझे DM कर सकते हो, और अगर वहाँ पे DM कर ही रहे हो तो फॉलो भी कर लो यार। तो एप्पल से रिलेटेड या बाकी सब वीडियोस भी बहुत ज्यादा मौजूद है, वो भी अगर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, स्टे सेफ, बाय बाय।